हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास नाइन का मैंसुरेशन वाला पार्ट उसमें हम आगे बढ़ते हैं हमने एरिया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कर लिया स्क्वायर कर लिया ट्रायंगल कर लिया आज बारी आती है पैरेलेग्राम रोम्बस और ट्रिपीजियम की तो चलो इस सम्स को करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे फार्मूलाज को नोट डाउन करना फिर हम सम्स करेंगे तो ये रहे वो फार्मूलाज आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या फार्मूलाज हैं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारे सारे सम्स होंगे तो सबसे पहले आते हैं पैरलोग्राम में पैरलोग्राम एक ऐसा फिगर है देखो ये भी एक स्पेशल ही है ए बी सी डी बट इसमें तुम देखोगे कि ऑपोजिट साइड जो हैं वो एक दूसरे के पैरल है ए बी पैरल है सी डी के और ए डी पैरेल है बी सी के और बी एल इज द हाइट ऑन सी डी तो ये जो हाइट है बी एल ये सी डी और ए दोनों पे मानी जाएगी लॉन्गर साइड्स पे। अगर मुझे ए डी और बी सी पे हाइट खींचना है तो मुझे ए बी सी डी में से कोई भी एक से उसके ऑपोजिट जो ब्रेथ वाली साइड है ना उस पर मुझे एक हाइट खींचनी पड़ेगी फॉर एक्ज़ाम्पल अगर मैं डी से खींचने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसे कुछ खींचूँगी तब ये हाइट होगा डी से समझ लो डी एफ है ये बी सी और ए डी पे हाइट होगा तो एरिया ऑफ अ पैरालोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय कॉरिस्पॉन्डिंग हाइट या हम शॉर्ट में बी इंटू एच लिखते हैं बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट पर ये पता होना चाहिए हाइट जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जिस बेस पे गिर रहा है वही हाइट लेना यानी तुम अगर साइड सी ले रहे हो बेस के जैसे तो हाइट तुम डी नहीं ले सकते सी पे जो हाइट गिरी है बी वही लेना ठीक है इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट आता है रोमबस रोम्बस भी पैरेलोलोग्रामी है बस इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं जैसे स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं वैसे रोम्बस के भी और वही है अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है इसीलिए पैरेलोलोग्राम है इसके एरिया का क्या फॉर्मूला है बिकॉज इट इज़ अ पैरेलोग्राम तो एक एरिया तो सेम ही है पैरेलोग्राम का बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट या पर याद रखना ये बेस मल्टीप्लाइड बाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ओके और स्क्वायर यूनिट्स हम हर एरिया में लिखते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस पर्टिकुलरली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डाइगनल्स डाइगनल्स प्रोडक्ट ऑफ डाइगनल्स दो डायगेनल्स हैं ए सी और बी डी अगर हमको इसकी वैल्यू दी हुई रहे तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाई डायगनल नंबर वन मल्टीप्लाइड बाई डायगनल नंबर टू तो ये दोनों एरिया रोम्बस के याद रखो जैसा इन्फॉर्मेशन हो वैसे हम फार्मूला यूज़ करेंगे और नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है ट्रपीजियम ट्रपीजियम एक कैसा फिगर होता है देखो ये भी एक स्पेशल रेक्ट स्पेशल क्वार्टिलेटल है ए बी सी डी इसमें एक पेयर पैरल है एक दूसरे के तो ए बी और सी डी तो दो पैरल साइड है एक दूसरे के लेकिन जो बची हुई ए डी और बी सी है वो नॉन पैरल है वो एक दूसरे के पैरल नहीं है तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरल साइड्स यानी इस केस में ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरल साइड्स डिस्टेंस मतलब कि जो हाइट गिर रहा है जैसे ए एल यहाँ पर गिर रहा है ना ये पैरल साइड के बीच का डिस्टेंस है तो मल्टीप्लाइड बाई ए एल तो ये फॉर्मूलाज वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन डू द सम्स ऑफ दिस चैप्टर ईजिली तो चलो करते हैं अपना फर्स्ट सम लिखा है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स तो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है लॉन्गर साइड फिफ्टीन सेंटीमीटर शॉर्टर साइड टेन सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड यानी हाइट जो लॉन्गर साइड में गिर रहा है वो है एट सेंटीमीटर ये यहाँ पे लिख भी दिया अब हमको चाहिए एरिया ऑफ पैरलोलोग्राम तो देर फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला फार्मूला लिख देते हैं बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट याद रखना कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है तो बेस यहाँ पे हम डी अगर लेंगे तो डी पे हाइट गिर रहा है बी यानी कि 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर 120 ट्वेंटी वन स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द आंसर ये तो एरिया आ गया अब बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड यानी अगर मैं शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस निकालू समझ लो ये एक तो हाइट है डी ये डी निकालना है मुझे तो हम वापस से बोलेंगे कि एरिया ऑफ पैरलेलोग्राम ये तो हमको पता है 120 है अभी और एरिया ऑफ पैरेलोग्राम क्या होता है बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज़ हमको पता है वन ट्वेंटी इस बार बेस हम लेते हैं टेन सेंटीमीटर वाई बिकॉज शॉर्टर साइड वाला हाइट चाहिए तो शॉर्टर साइड को लो और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग हाइट हमको पता करना है ठीक है एरिया तो सेम ही है इधर से करो या उधर से करो पैरेलेग्राम तो सेम ही है तो वन ट्वेंटी एरिया तो हाइट हो गया वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टेन यानी कि ट्वेल्व सेंटीमीटर ये शॉर्टर साइड के बीच का हाइट है क्लियर मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड सम लिखा है द एरिया ऑफ रॉम्बस इज 96 सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 12 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल बहुत इजी सम है सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही देखो एरिया ऑफ रॉम्बस दिया हुआ है नाइन्टी लेंथ ऑफ वन डायगनल दिया है ट्वेल्व हमको दूसरा डायग्नल निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज कर ले हम लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल दे फॉर हाफ मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स में एक डायगनल दिया ट्वेल्व दूसरा चलो डी टू डायगनल नंबर टू ये होता है नाइंटी सिक्स ये तो कट रहा है देखो टू सिक्स जो ट्वेल्व तो d2 क्या होगा मतलब डायगनल नंबर टू क्या हुआ 96 सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स ये कट रहा है 16 दे फॉर अदर डायगनल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड इट इज आर आंसर कितना इजी है सम नाउ सम नंबर थ्री लिखा है इफ़ द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर एट सेंटीमीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर नाउ ये थोड़ा सा डिफ्रेंस हम दे दिया क्योंकि डायगनल दे दिया मतलब ए सी समझ लो एट सेंटीमीटर है मान लो चलो लिख देते हैं ए सी मान लो दिया हुआ है एट सेंटीमीटर और बी डी ये जो है सिक्स सेंटीमीटर दिया हुआ है अब हमको पेरीमीटर चाहिए पेरीमीटर के लिए हमको साइड तो चाहिएगा ना कोई भी एक साइड क्योंकि चारों साइड इक्वल है अब उसके लिए हमको रोम्बस की एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए जो अच्छे से देख लो रॉम्बस के जो दोनों डायगनल्स होते हैं ये अनइक्वल होते हैं जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर के होते हैं ना वो इक्वल होंगे लेकिन रॉम्बस पैरालोग्राम इनके डायगनल्स एक अनइक्वल है दिख भी रहा है ना देखो एक एट है तो दूसरा सिक्स है बराबर कभी नहीं होंगे लेकिन ये डायगनल जब एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ काट रहे हैं तो ये एक दूसरे को बराबर बराबर मतलब आधा आधा काटते हैं बाइसेकट करते हैं और वो भी नाइन्टी डिग्री पे तो यहाँ नाइन्टी डिग्री बन रहा है 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 नाइन्टी डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं बराबर बराबर यानी अगर ये एट सेंटीमीटर है तो इधर फोर इधर फोर हो गया और ये अगर सिक्स सेंटीमीटर है तो ये भी आधा आधा बढ़ गया थ्री थ्री हो गया और नाइन्टी डिग्री में काट रहे हैं यानी कि चार राइट एंगल ट्राइंगल बन गए अब कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो चलो चलो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं अगर ओ लिख दूँ तो ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पहले पार्ट लिख देंगे कि रोम डायगनल्स ऑफ अ रोम्बर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी डायगनल्स ऑफ अ रोम्बर्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल तो देखो दोनों चीज बता दिया बाइसेक्ट इच अदर मतलब आधा आधा बांटते हैं एट 90 डिग्री बांटते हैं देफोर ए ओ बी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ना राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ओ पे राइट एंगल बन रहा है तो ए ओ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमको ए बी की वैल्यू चाहिए और एक राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से देखो तो राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड हाईपटीन्यूस कहलाता है और परपेंडिकुलर और बेस हमको दिया हुआ है तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना तो हम लिखेंगे फॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम देखो कौन से चैप्टर का कौन सा थ्योरम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है तो ऐसे कभी मत सोचना ये चैप्टर ख़त्म तो ये अब कभी सम्स कहीं और नहीं आएंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर होगा यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना आया फोर एट का आधा फोर और बी ओ थ्री का थ्री का स्क्वायर हो गया सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन ए बी हो गया रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव देव फॉर एक साइड आराम से आ गया प्लस फाइव प्लस माइनस फाइव होता है लेकिन क्योंकि साइड है नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो हम इसीलिए सिर्फ प्लस फाइव लेते हैं फाइव सेंटीमीटर अब तो रोम्बस का साइड रोम्बस का पेरीमीटर आ ही गया देव फॉर पेरीमीटर ऑफ रामबस क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं तो बस चारों को एड ही तो करना है यानी फोर मल्टीप्लाइड बाई द साइड फोर इंटू फाइव ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसमें रॉम्बस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ में आती है ये प्रॉपर्टी याद रखना है नाउ मूविंग ऑन टू आर फोर्थ सम लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो इज अ ट्रपीजियम फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड द एरिया ऑफ़ ट्रपीजियम अज्यूम ए बी इज ईक्ल टू फाइव सेंटीमीटर ए डी इज ईकल टू फोर सेंटीमीटर एंड सी डी इज ईक्ल टू एट सेंटीमीटर तो मैंने वही डायग्राम यहाँ बना दिया ट्रपीजियम है देखो लेंथ भी दिए मैं सारे हमको एक बी सी का लेंथ निकालना है और एरिया ऑफ़ ट्रपीजियम निकालना है एरिया ऑफ ट्रपीजियम का तो फॉर्मूला है हमारे पास और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ है बी सी के लेंथ के लिए हम क्या करेंगे हमको एक बी से सी डी पे एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा तो बी से सी डी पे मैं एक परपेंडिकुलर खींचती हूँ मान लो इस परपेंडिकुलर का नाम है बी एल अब क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस तो इक्वल होगा ना पैरेलल साइड के बीच की दूरी तो इक्वल ही होती है यहाँ से लाइन खींचो या यहाँ से लाइन खींचो तो यहाँ अगर फोर है तो ये भी फोर है ये हमको पता चल गया ओके okay. ये नाइन्टी डिग्री ये नाइन्टी डिग्री ये नाइन्टी डिग्री, डिग्री इसका मतलब ये भी नाइन्टी डिग्री होगा तीन नाइन्टी डिग्री है तो चौथा भी नाइन्टी हुआ ना क्योंकि तो चारों मिल करके थ्री सिक्सटी होते हैं तो ये फाइव है इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये फाइव है तो एल डी बी फाइव हुआ इसका मतलब बचा हुआ थ्री हो गया देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक हाई एक लेंथ फोर है एक थ्री है तो तीसरा हम अब आराम से निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो चलो हम सब में जो जो अभी हमने किया वो सब हम यहाँ पर लिख देते हैं तो हम लिखेंगे कि अपरपेंडिकुलर

ए बी सी एल जो है वो एक रेक्टेंगल बन गया रीजन बता दो क्लियर रखना है सब कुछ बिकॉज बैकेट में बता दो बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री तो ऑब्वियसली वो रेक्टेंगल है देफ और एल डी की वैल्यू हमको आ गई एल डी ए बी के इक्वल है यानी 5 सेंटीमीटर है ओके okay? अब हम लेते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी एल सी बाई पाइथागोरस अच्छा बाई पाइथागोरस के पहले बता दो कि सी एल कितना है बी एल इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर सी एल इज इक्वल टू सी डी माइनस एल डी यानी कि एट माइनस फाइफ ये भी है थ्री सेंटीमीटर अब बताओ कि बाई पाइथागोरस से हरम क्या करने वाले हैं तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इस केस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर यानी कि बी सी होगा रूट ऑफ दिस तो बी एल था फोर तो फोर का स्क्वायर प्लस सी एल थ्री था थ्री का स्क्वायर यानी सिक्सटीन प्लस नाइन का रूट रूट ट्वेंटी फाइव फाइव सेंटीमीटर हमारा बीसी तो आ गया एक वैल्यू तो आ गई बी अब एरिया ऑफ ट्रपीजियम चाहिए उसका तो हम फॉर्मूला लिखा देते हैं फॉर एरिया ऑफ ट्रपीजियम एरिया फॉर की जरूरत नहीं है एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि हाफ मल्टीप्लाइड बाई पैरल साइड क्या है ए बी है और नीचे सी डी है और डिस्टेंस इनका ए डी है यही वैल्यू मैं डाल दूँ हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस सी डी यानी फाइव प्लस एट मल्टीप्लाइड बाई ए डी दैट इज फोर तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई एट प्लस फाइव थर्टीन मल्टीप्लाइड बाई फोर थर्टीन टू जै ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा दूसरा आंसर भी आ गया पहला आंसर इधर आया फाइव सेंटीमीटर दूसरा आंसर इधर आया ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर अब देखो ये सम दिया हुआ है नंबर फाइव द डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज ट्वेल्व सेंटीमीटर यानी हाइट दी हुई है एंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ अदर साइड्स यानी नॉन पैरल साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन करती हुई जो लाइन है वो है एटीन सेंटीमीटर फाइन द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम अभी ट्रेपीजियम में हमको पता बताया हाफ मल्टीप्लाइड बाई समल साइड्स होता है जो नहीं दिया हुआ और डिस्टेंस बिटवीन द पैरल साइड्स होता है वो दिया हुआ है सम ऑफ पैरल साइड्स हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए देखो एक पार्ट में बताती हूँ ये जो ई एफ जो बिल्कुल मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन है ये ई एफ एग्जैक्टली कैसे निकलता है अगर हमको कभी निकालना भी हो और दोनों पैरल साइड दिए हुए हो तो भी हम निकाल सकते हैं दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाय टू कर दो तो बिल्कुल मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ई एफ आ जाएगी तो हम वो पार्ट लिख देते हैं कि वी ई एफ कैसे आया होगा दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाय टू किया होगा ठीक है यानी कि डिवाइड बाय टू या ऐसे लिख सकते हैं हाफ और ब्रैकेट में ऊपर ए बी प्लस सी डी किया तो ई एफ आया ठीक है और ई एफ कितना एटीन तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू एटीन ठीक है एक बार इतना रखते हैं और अब मैं एरिया का फॉर्मूला देती हूँ एरिया क्या है एरिया ऑफ ट्रपीजियम एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम फॉर्मूला लिखो फिर आगे का पार्ट करो हमेशा भले कितना भी लंबा लगे फॉर्मूला अभी एरिया क्या होगा देखो हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरल साइड यानी ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी बी एल अब देखो हमको ये पैरल साइड का सम तो नहीं मालूम लेकिन ये पूरा पार्ट देखो हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस सी डी यहाँ पे भी तो यही है हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस सी डी तो एटीन है तो मैं इस पूरे की जगह ये वैल्यू डाल देती हूँ एटीन मल्टीप्लाइड बाई बी एल तो हमको दिया हुआ है ट्वेल्व और देखो कितना सिंपली दोनों साइड नहीं पता होते हुए भी हमने इसकी वैल्यू डाल दी अब ट्वेल्व इंटू एटीन करते हैं एटी टू यार थर्टी सिक्स 216 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आ गया सो दिस इज हाउ वी डू सम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सरोम्बर्स या फिर पैरेललोग्राम। सो so, इससे रिलेटेड जो भी सम्स हमारी बुक्स में हो उन सम्स को सॉल्व करो आई होप इसी तरीके के सम्स होंगे ऑब्वियसली वैल्यूज़ और चेंज रहती है बट तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया तो तुम लोग सम्स बहुत आराम से कर पाओगे फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो क्या क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना इफ़ यू आई लाइक दिस वीडियो तो भी प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू कमेंट ऑन द वीडियो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं वीडियो देखते हैं रेगुलर बेसिस पे बट सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे ऑल वाला तो तुमको जो भी मेरी वीडियोज़ आ रही है सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलेगा कुछ भी मिस नहीं होगा तुम्हारे सिलेबस में से करेक्ट और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स एटलीस्ट फाइव सम्स अ डे एंड से यस टू मैथ्स बाय जय हिंद